हेलो, आई एम जिज्ञासा सिन्हा और आज हम लोग इफ स्टेटमेंट के बारे में आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे। इसके पहले हमने कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में स्टडी की थी। कंडीशनल ऑपरेटर का लिमिटेशन ये था कि जब कंडीशन ट्रू है तो आप एक एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करते हैं एंड कंडीशन फॉल्स पे सेकंड एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे आप एक्सप्रेशन वन और एक्सप्रेशन टू में सिर्फ वन वैल्यू दे सकते हैं। रियल लाइफ में हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है जब कंडीशन ट्रू है मुझे मल्टीपल एक्शंस लेनी है, सेम वे कंडीशन फॉल्स पे भी मल्टीपल एक्शंस लेनी है। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इफ एल्स का यूज करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इफ एल्स की सिंटेक्स के बारे में बात करेंगे कि वो तो अब हम यहाँ पे पहले इफ कमांड की सिंटेक्स को चेक करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने कंडीशनल स्टेटमेंट पॉइंट लिखा है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट में दो पॉइंट आते हैं, वन इज इफ स्टेटमेंट एंड सेकंड इज अ स्विच स्टेटमेंट। सो आज हम पहले सेफ के बारे में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट इफ कंडीशन लिखी है स्टेटमेंट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इफ के बाद मैंने सिर्फ स्टेटमेंट लिखा है। सो कंडीशन ट्रू पे आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं पर कंडीशन फॉल्स पे कोई टास्क नहीं होगा। सेकंड वाले पार्ट पे आप देखेंगे इफ कंडीशन लिखी है स्टेटमेंट वन एल्स स्टेटमेंट टू, तो जब कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगा और कंडीशन फॉल्स पे स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होगा। सेकंड वाले सिंटेक्स पार्ट में भी कंडीशन ट्रू एंड फॉल्स पे हम सिर्फ सिंगल कमांड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि कंडीशन ट्रू पे मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं, सेम वे कंडीशन फॉल्स पे भी मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं, हमको वहां पे कर्ली ब्रैकेट प्रोवाइड करने होंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड पॉइंट के अंदर हमने इफ के बाद ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट दिए हैं। एग्जैक्टली सेम वे एल्स में भी हमने कर्ली ब्रैकेट्स प्रोवाइड किए हैं। सो कंडीशन ट्रू पे आप अब मल्टीपल एंड कंडीशन फॉल्स पे भी मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फोर्थ जो सिंटेक्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है उसमें आप देखेंगे इफ कंडीशन लिखी है, कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अगर वो कंडीशन फॉल्स है हम यहाँ पे और एक कंडीशन चेक करना चाहते हैं जिसको हम एल्स इफ कहेंगे। तो एल्स इफ वाले पार्ट में हम और एक कंडीशन को चेक कर रहे हैं, अगर वो सेकंड कंडीशन ट्रू है तो वहां के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, अगर वो कंडीशन भी फॉल्स है हम थर्ड एल्स इफ पे जाएंगे। थर्ड एल्स इफ वाला पार्ट अगर ट्रू है वो ब्लॉक में जो स्टेटमेंट्स दिए है वो एग्जीक्यूट होंगे, और अगर वो भी फॉल्स है तो कंट्रोल लास्ट में एल्स में जाएगा। इस सिंटेक्स के अंदर मैंने एल्सिफ वाले पार्ट दो बार लिखे हैं। एक्चुअली क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, हम एक इफ के लिए ऐसे एल्सिफ 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 ने भी लिख सकते हैं, तो मल्टीपल एल्सिफ अलाउड है। एल्स वाला ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब सभी इफ एल्सिफ 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 फॉल्स होंगे। मेन पॉइंट यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, तो मैंने यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट जो हम देते हैं कर्ली ब्रैकेट्स कंपल्सरी फॉर मल्टीपल स्टेटमेंट। आप सिंगल स्टेटमेंट के लिए भी कर्ली ब्रैकेट देना चाहे दे सकते हैं पर वो कंपल्सरी नहीं है, तो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट इज ऑप्शनल फॉर सिंगल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमारी चॉइस रहेगी सिंगल स्टेटमेंट के वक्त कि हम कर्ली ब्रैकेट देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। तो इस वक्त हमारे सामने है पब्लिक क्लास और क्लास का नाम मैंने इफ प्रोग्राम दिया हुआ है। मेन फंक्शन में हमने एक पैरामीटर पास किया है इंट नम, हमने नंबर को प्रिंट कर दिया है। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 50 वी आर प्रिंटिंग गुड। अब ये वाले प्रोग्राम में क्या होगा, जब हमारे नंबर की वैल्यू लाइक 75 85 ऐसी कोई वैल्यू देंगे तो वो गुड प्रिंट करेगा, पर अगर मैंने नंबर 50 से छोटा दिया लाइक 35 दिया तो कंडीशन फॉल्स से ये कोड में हमने एल्स ब्लॉक नहीं लिखा है तो आउटपुट में कुछ नहीं आएगा। मतलब कि इफ वाला पार्ट में कंडीशन ट्रू पे गुड प्रिंट होगा, कंडीशन फॉल्स पे गुड प्रिंट नहीं होगा। हमने जो नंबर प्रिंट करवाया है वो इफ एल्स के पहले लिखा हुआ है, ब्लॉक के पहले लिखा है। सो नंबर इक्वल टू हम यूजर जो भी नंबर इनपुट करेगा तो वो हमेशा प्रिंट होगा। ओके, सो पहले प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं, कोई एरर नहीं है। अब जस्ट हम उसको रन करके देखेंगे। सो हमने यहाँ पे नंबर 75 दिया,
सो गुड प्रिंट हो रहा है हमारे पास आउटपुट में. ओके अब हमारे पास अगर हमने नंबर 50 से कम दे रहे हैं, ओके सो कोई भी हमने ऐसा नंबर दे दिया तो गुड प्रिंट नहीं हुआ है. ओके अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल्स ब्लॉक ऐड करेंगे. सो एल्स और एक स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन. और अब हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय. कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है. सो कंडीशन ट्रू पे हमारे पास आउटपुट में गुड आना चाहिए और कंडीशन फॉल्स पे बाय आ जाएगा. तो हमने यहाँ पे पहले फॉल्स वाला पार्ट दे देते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय प्रिंट हुआ है. ओके हमने ट्रू पार्ट के लिए ऑलरेडी एक बार चेक किया था, पर फिर भी चेक कर लेना चाहिए, तो आपको यहाँ पे गुड आउटपुट में देखने को मिल रहा है. ओके अब यहाँ पे आप देखेंगे, सो बाय डिफॉल्ट सिंगल स्टेटमेंट इफ में कंसिडर हो रहा है, कि हमने एक एक स्टेटमेंट ही लिखा है. अब हम यहाँ पे इफ में दो स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे और एक ऐड कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन. ओके मैंने एक्सेलेंट लिख दिया और आप देखिए हमारे प्रोग्राम में एरर आ रही है. ओके तो यहाँ पे आपके पास जो एरर आ रही है उसमें लिखा है एल्स विदाउट इफ. अब ये एल्स विदाउट इफ एरर का मतलब ये होता है कि आपने एल्स ब्लॉक लिखा है, पर एल्स ब्लॉक के लिए इफ कमांड मिसिंग है. प्रोग्राम में तो हमको इफ कमांड दिख रहा है, तो प्रॉब्लम ये हुआ है जब हमारा इफ कमांड प्रोसेस होगा. आप यहाँ पे देखिए, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, डाटा को सिलेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे सेमी कॉलन आ गया. ये जो सेमी कॉलन आ गया वहां पे इफ कमांड टर्मिनेट हो गया, और ये जो एक्सलेंट वाला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलन है वो इफ का पार्ट नहीं है. ओके वो इफ के बाहर हो चुका है. सो ये एल्स वाला ब्लॉक जो है वो इफ को कनेक्ट नहीं हो पा रहा है. तो जब आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट हो जाते हैं तो हमको कर्ली ब्रैकेट देने पड़ेंगे. एग्जैक्टली एल्स के लिए भी वही हमको रूल अप्लाई हो जाएगा. तो हम एल्स में भी मोर देन वन स्टेटमेंट लिख के चेक कर लेते हैं. सो यहाँ पे और एक मैसेज दे देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन. ओके डन, और ये ब्लॉक हमने क्लोज किया. सो कंपाइल करेंगे, नो एरर. अब हम वन बाय वन छोटी एंड बड़ी दोनों वैल्यू, अबाउ 50 एंड बिलो 50 वैल्यू देंगे. तो अभी मैंने नंबर 90 दिया है. सो आप देख सकते हैं गुड एंड एक्सेलेंट दोनों प्रिंट हुआ, क्योंकि आपकी वहां पे कंडीशन ट्रू हो रही थी. और अब मैं यहाँ पे नंबर बिलो 50 दे रही हूँ, तो हमारा कंट्रोल एल्स पार्ट में जा रहा है और बाय एंड डन प्रिंट हुआ. तो आई होप कि आपको ये इफ स्टेटमेंट समझ में आया होगा. इफ स्टेटमेंट सिंपल है. एरर को अवॉइड करने के लिए आप सिंगल स्टेटमेंट में भी कर्ली ब्रैकेट देना चाहे दे सकते हैं, पर सिंगल स्टेटमेंट के लिए वो ऑप्शनल पार्ट है. ओके सो आई थिंक आपको यहां तक समझ में आया होगा. मैंने कंडीशनल ऑपरेटर जब सिखाया था, आपने वहां पे देखा होगा मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे. आप वही क्वेश्चंस इफ एल्स से सॉल्व कर सकते हैं, तो एक बार जरूर ट्राई करिए. मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इफ एल्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ, आप उसको जरूर सॉल्व करिए. और कोई डाउट आता है या प्रोग्राम अच्छा हुआ नहीं हुआ, एनी फीडबैक आपको जो कन्वीनियंट लगता है आप मुझे कमेंट में जरूर मेंशन करिए. सो थैंक यू.